हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैं शर्मा एकेडमी, दिस इज हिमांशु। आज के स्टूडियो लेक्चर बात करेंगे कुछ और फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी के बारे में। बेसिकली बात करेंगे, देखिए नाइपर गुवाहाटी में एम फार्म और बी फार्म ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी आई है, प्रोजेक्ट रिगार्डिंग ये वैकेंसी है। सेकेंड वीडियो में बात करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, यहाँ पे ग्रेजुएशन फार्मेसी जो है कैंडिडेट एलिजिबल है। पूरी डिटेल में बात करेंगे इन दोनों वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नाइपर की वैकेंसी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रिगार्डिंग वैकेंसी है। जैसे कि आप जानते हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रिगार्डिंग वैकेंसी के बारे में हम हमारे चैनल पर डिस्कस करते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ये देखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट की ये पोस्ट है, जिसकी 31,000 पर मंथ जो है आपका सैलरी रहेगा। ये इसका प्रोजेक्ट है और इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन लाइफ केयर और फार्मास्यूटिकल साइंस, यानी कि बी फार्म कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है। विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास मास्टर डिग्री है देन यू आर एलिजिबल विदाउट एक्सपीरियंस, है ना। अगर आप बी फार्म प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब जो स्टूडेंट रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रह सकती है। और भी JRF की पोस्ट है, जिसमें कि देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन एम फार्मा कैंडिडेट जो है फार्माकोलॉजी वाले वो एलिजिबल बता रहे हैं। ऐसे करके यहाँ पे 2 पोस्ट हैं एम फार्मा के लिए, 1 पोस्ट है बी फार्म प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस रिसर्च के लिए, वो यहाँ पे कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। नाइपर गुवाहाटी में प्रोजेक्ट रिगार्डिंग ये वैकेंसी है। इस PDF की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ, देखिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस में फार्मेसी ग्रेजुएशन के ग्रेजुएट के स्टूडेंट के लिए वैकेंसी आई। देखिए बेसिकली ये जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनी है, ये क्या करती है, जितने भी आपके हॉस्पिटलाइज क्लेम होते हैं ना, मेडिकल क्लेम जो होते हैं ना, उनके ऊपर जो है यहाँ पे इनको ग्रेजुएशन फार्मेसी ग्रेजुएट मतलब कि मेडिकल फील्ड का जो है पर्सन वो चाहिए रहता है, जहाँ पे फार्मासिस्ट की या फिर आप कह सकते हैं फार्मेसी ग्रेजुएट की वैकेंसी है। इसकी क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट HDFCLifeCare.com से यहाँ से मैंने चेकआउट किया है। इसकी लिंक भी मैं डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। जॉब की लोकेशन जो है वो मुंबई में है। अबाउट द डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फंक्शनिंग प्लेइंग क्रिटिकल रोल इंश्योर द प्रोबेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर द राइट टू लिव, है ना, बुक ऑफ द HDFCLifeCare। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूटी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पे मेंशन है, और डिजायरेबल कैंडिडेट की प्रोफाइल जो है शुड प्रोसेस गुड कम्युनिकेशन स्किल, ग्रेजुएशन इन फार्मेसी BMS जो है वो यहाँ पे एलिजिबल है, और कैंडिडेट जो है एफिशिएंट इन हैंडलिंग MS ऑफिस जो उसको चलाना आना चाहिए। तो देखिए काफ़ी सारी ऐसी भी वैकेंसी आती है, SBI बैंक में आती है, तो बैंक में वो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है वो अलग हो जाती है। ये तो ग्रेजुएशन इन फार्मेसी मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं आपकी लाइफ केयर इंश्योरेंस के लिए मेडिकल पर्सन जो है वो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, जिसमें कि फार्मेसी कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। इन्फॉर्मेशन ठीक लगी तो इस आपके साथ शेयर की। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे इन्फॉर्मेटिव फार्मेसी न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लाइक। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।